हेलो एवरीवन वेलकम टू परफेक्शन आई और हमारा जो सेवेंटी बीपीएससी के लिए 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज है उसमें हम आज थर्टी सेवंथ डे आपके साथ जुड़ रहे हैं और जैसा मैंने कहा था कि लेजिस्लेचर का डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे यूनियन लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट की अगर बात करेंगे तो वैसे तो आर्टिकल सेवेंटी से वो शुरू होता है बट सेवेंटी नाइन सिम्पली सज़ कि पार्लियामेंट सेल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा जिसको बोलते हैं और हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा तो पार्लियामेंट में ये तीनों को इंक्लूड किया गया है प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल लोकसभा ये आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है और ये जो दो हाउस का कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज बाई कैमरलिजम इसको क्या बोलते हैं बाई कैमलिज्म एंड दिस बाई हैज बिन इस्टेब्लिश इन इंडिया बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन तब से ये हमारे यहाँ पे काम कर रहा है सेंट्रल लेजिस्लेचर बाई कैमरल होगा ये 1919 -19 के एक्ट से यह इस्टेबलिश किया गया था और हमारे यहाँ बाई कैमलिज्म में अपर हाउस राज्यसभा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोअर हाउस हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा है तो इसी के जस्ट बाद जो आर्टिकल एट यानी हमारा आज का डिस्कशन है दैट विल बी अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ द अपर हाउस दैट इज राज्यसभा अब कॉम्पोजिशन में क्या क्या आ सकता है तो इसके स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करेंगे स्ट्रेंथ कितना है कैसे डिसाइड हो रहा है सीट्स एलोकेशन किस बेसिस पे है कहाँ मैंशनड है थोड़ा बिहार कॉन्टेक्स में आएंगे कि बिहार में कितनी सीट है राज्यसभा के अंदर और इलेक्शन फिर किस तरह से होता है तो जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देखेंगे तो आर्टिकल एटी में ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स एल कंसिस्ट ऑफ ट्वेल्व मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट बारह लोग को नॉमिनेट कर रहे हैं एंड नॉट मोर देन टू हंड्रेड एंड थर्टी एट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स या फिर यू टी जहाँ पे लेजिस्लेचर होगा ये सारा बियर एक्ट का जो प्रोविजन है इसको हम लोग बहुत सिंपल कुछ फिगर्स के थ्रू कवर कर लेंगे जैसे ये वाले फिगर में अगर आप देखेंगे कॉम्पोजिशन में तो सबसे पहला चीज कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है जो प्रिस्क्राइब किया गया है संविधान में एंड दैट इज 250 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ अभी के हिसाब से हो सकता है और ये 250 में दो कैटेगरी के मेंबर्स को रखा गया है इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दो लोग जो होंगे 238 मैक्सिमम वो इलेक्ट होकर आएंगे और 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं लेकिन इसमें अभी जो स्ट्रेंथ है वो 245 पे ही फिक्स्ड है 245 अभी का स्ट्रेंथ है जिसमें अगेन दो कैटेगरी अगर देखेंगे तो 12 तो नामिनेट हो रहे हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और 233 233 विल बी इलेक्टेड तो इलेक्शन में कहा गया कि स्टेट्स के द्वारा होंगे और यूटीज़ यूटीज़ में सिर्फ वही यूटीज जिनके यहाँ लेजिस्लेचर की पॉसिबिलिटी है जैसे अभी हम बात करें अगर तो ये टू सीट्स जो है वो 225 सीट्स स्टेट्स को गया है जो टोटल हमारे 28 स्टेट्स हैं और आठ सीटें जो हैं वो तीन यूटीज जहाँ पर लेजिस्लेचर की पॉसिबिलिटी है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर दिल्ली और पुडुचेरी जम्मू कश्मीर से तीन लोग आएंगे दिल्ली से भी सॉरी चार लोग और जो दिल्ली से तीन लोग और पुडुचेरी से एक आदमी आएगा तो आठ लोग यूटी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं राज्यसभा में और 225 लोग 28 स्टेट से ये जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि किस स्टेट से कितने लोग आएंगे जैसे बिहार से 16 लोग अभी आते हैं कहाँ पे राज्यसभा में हाईएस्ट यूपी से इकतीस लोग हैं और लोवेस्ट सिक्किम से एक ये किस बेसिस पर डिसाइड हो रहा है तो ये डिसाइड होता है पॉपुलेशन के बेसिस पे। और पॉपुलेशन के बेसिस पे जब हम बात कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला होगा पॉपुलेशन को यूज़ करने का तो राज्यसभा के सीट एलोकेशन के लिए जो फॉर्मूला फॉलो किया गया वो ऐसा था कि स्टेट्स के पॉपुलेशन को काउंट करते समय एक मिलियन पॉपुलेशन पर एक सीट एलोकेट कर दिया जाएगा यानी दस लाख पॉपुलेशन जैसे काउंट होगा कंप्लीट एक सीट उस स्टेट को दे दिया जाएगा लेकिन ये केवल पाँच मिलियन तक ही चलेगा यानी कि फिफ्टी लाख पॉपुलेशन तक ही ये वाला फॉर्मूला रहेगा जैसे फिफ्टी लाख कंप्लीट हो जाएगा तब हर दो मिलियन पर एक सीट मिलेगा यानी कि बीस लाख पॉपुलेशन पे तो अगर किसी स्टेट का सत्तर लाख पॉपुलेशन है सपोज नाइन्टी लाख पॉपुलेशन है तो पचास लाख तक पाँच सीट हो गया फिर सत्तर लाख पे छठा सीट मिलेगा और नब्बे लाख पे सातवां सीट मिलेगा तो पहले पाँच मिलियन तक फॉर्मूला क्या है हर मिलियन पॉपुलेशन पर एक सीट उसके बाद से हर दो मिलियन पॉपुलेशन पर एक सीट एलोकेट किया जा रहा है और इसी बेसिस पे आप देख रहे हैं चूँकि पॉपुलेशन है तो हाईएस्ट यूपी से रिप्रेजेंटेशन है थर्टी बिहार से सोलह सीटें हैं लगभग और सिक्किम से एक और ये जो एलोकेशन जो मैं बता रहा हूं कि 31 सीट है यूपी का बिहार का 16 सीट है सिक्किम से एक सीट है ये एलोकेशन कहां पे दिया गया तो ये एलोकेशन है शेड्यूल फोर्थ में चौथे शेड्यूल में ये लिखा हुआ है किस स्टेट से कितना रिप्रेजेंटेशन जाएगा ये वाला पार्ट समझ में आया इस पेज का अब इन सीट्स पे इलेक्शन की बात करते हैं इलेक्शन कैसे किया जाएगा तो सबसे पहले इलेक्शन तो इनडायरेक्ट होता है कैसा इनडायरेक्ट इलेक्शन है यानी कि लोग डायरेक्टली वोट नहीं कर रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वोट करेंगे अब कौन रिप्रेजेंटेटिव्स तो दे आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली द स्टेट्स एंड में थ्री स्टेट में लोअर हाउस जो है उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो उसके जो मेंबर्स इलेक्टेड है जिनको लोगों ने चुना था जैसे विधायक बोलते हैं हिंदी में तो विधायक को लोगों ने चुना वो विधायक आपके बिहार पर वोट करेंगे और अपने अपने स्टेट से राज्यसभा के लोगों को चुनेंगे ठीक है इलेक्शन का मेथड रखा गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और 2003 से एक बदलाव आया कि ओपन बैलेट का इस्तेमाल हो रहा है कौन सा बैलेट ओपन बैलेट 2003 से राज्यसभा में यूज किया जा रहा है तो ठीक है अब समझिएगा कि इलेक्शन का बेसिक तरीका क्या होता है प्रोपोजनल रिप्रेजेंटेशन कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बिहार में टू जो है वो एम है ठीक है यानी ये 243 वोटर्स हो गए जो बिहार से 16 लोगों को चुनेंगे इन 243 में बीजेपी के मेंबर हैं आरजेडी के मेंबर हैं जेडीयू के हैं कांग्रेस के हैं यह में अपनी पार्टी को ही वोट करेंगे ना तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे इंश्योर हो रहा है कि जिस प्रोपोर्शन में आपकी पार्टी को वोट मिलने की संभावना है जैसे मान लीजिए कि अस्सी सीटें अगर बीजेपी के पास है तो दैट कम्स आउट टू बी वन थर्ड ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ एस तो वन थर्ड सीट मतलब वन थर्ड वोट जो पड़ेगा एस एल ए के अंदर से वो बीजेपी के फेवर में पड़ेगा ये एक्सपेक्टेशन पहले से है है टोटल सीट अगर बिहार में राज्यसभा के लिए तो सोलह का वन थर्ड सीट बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो जीत जाएगी क्योंकि प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही ये होता है जितना परसेंट वोट मिलेगा उतना परसेंट सीट तो वो क्या करेगी वन थर्ड सीट का एक्सपेक्टेशन है उसके पास तो मान लीजिए मिनिमम तो पांच सीट उसके पास आ रहे हैं तो पांच लोगों से वो नॉमिनेशन फाइल करवा देगी सिमिलरली अगर किसी के पास आधी सीटें हैं तो वो आठ लोगों से नॉमिनेशन फाइल करवा देगी और उस बेसिस पे हर वोटर जो है यानी कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पार्टी को वोट किया जिस पार्टी को जितना परसेंट वोट मिला उसको उतना सीट मिल गया और जो नॉमिनेशन फाइल किए थे कैंडिडेट्स वो लोग वो मेंबरशिप ले लेंगे इस तरीका से ये इलेक्शन कराया जाता है समझ में आ रहा है बैलेट कौन सा यूज हो रहा है ओपन बैलेट लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है भले ही ओपन बैलेट यूज हो रहा हो बट अभी हाल ही में ऑलरेडी दोबारा से हिमाचल के केस में इसको अपहेल्ड किया गया है हिमाचल हाईकोर्ट के द्वारा कि इसमें पार्टी विप का ऑर्डर जो है दैट इज नॉट एलिजिबल यानी कि कोई भी पार्टी पार्टी विप होता है एक आदमी हर पार्टी अपॉइंट करती है जिसका काम है कि अपने पार्टी के डिसीजन्स को हर मेंबर्स पर फॉलो करवाना तो जैसे कल किसी चीज़ पर वोटिंग होनी है तो पार्टी का विप ऑर्डर करेगा आप सबको आना है और इस तरह से वोट करना है कोई भी इस ऑर्डर को नहीं मान रहा है या गलत तरीके से इसको मतलब इसका अगेंस्ट चला जा रहा है तो वो डिस्कवालीफाई हो सकता है टेंथ शेड्यूल के अंदर लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन के वोटिंग में पार्टी विप का ऑर्डर एलिजिबल नहीं है और इसी का मिस करते हुए भी हिमाचल में स्पीकर ने क्या किया था कुछ लोगों को डिसक्वालीफाई कर दिया था क्योंकि उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी थी तो स्पीकर क्यों नहीं कर सकता हिमाचल हाईकोर्ट ने इस फैसले को क्यों पलट दिया क्योंकि पार्टी व्प का ऑर्डर ही जब एलिजिबल नहीं है तो आप डिस्कालीफाई कैसे करोगे कि इसका वॉयलेशन हुआ है और दूसरा चीज राज्यसभा में नोटा इज नॉट एप्लीकेबल नी अब ये अप्लाई राज्यसभा के इलेक्शन में नहीं होता है ठीक है बारह लोग जो नॉमिनेट हो रहे हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं और वो चार फील्ड से होता है आर्ट लिटरेचर साइंस और सोशल सर्विस आर्ट लिटरेचर साइंस एंड सोशल सर्विस एक चीज ध्यान रखना है इसमें स्पोर्ट्स नहीं है तो जब से सचिन तेंदुलकर नॉमिनेट हुए हैं बहुत एक कंफ्यूजन है कि इसमें अमेंडमेंट होकर स्पोर्ट्स एड हुए है। नहीं स्पोर्ट नहीं वो आर्ट ही फील्ड है आर्ट्स नहीं है आर्ट है तो दैट हैज़ बीन अ पार्ट कि आपको समझना है कि अगर क्रिकेटर भी है तो वो किस फील्ड से मिला है उनको आर्ट फील्ड से मिला है तो ये चार ही कैटेगरी अभी भी है ये हमेशा ध्यान रखना है इसके बाद एक और चीज़ की जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके बीच में किसी तरह का डिस्टिंक्शन हमारे संविधान में नहीं रखा गया है एक्सेप्ट इन वन केस दैट द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल टू बी पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इसके अलावा हर केस में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर का पोजिशन लेवल और सब कुछ फैसिलिटीज़ बराबर है कोई तरह का डिस्टिंक्शन नहीं है और लास्ट पॉइंट यूएस में भी ऐसा ही सिस्टम है वहां का अपर हाउस सेनेट कहलाता है और सेनेट में एक चीज यहां से जो डिफरेंट दिखती है वो ये है कि हर हाँ पर्टिकुलर स्टेट से वहां पर दो दो रिप्रेजेंटेटिव हैं तो 50 स्टेट है यूएस में दो दो रिप्रेजेंटेटिव है 100 लोग टोटल वहां पे हो गए सेनेट के अंदर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक फेडरलिज्म कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द अपर हाउस बट इन इंडिया वी डू नॉट फेडरलिज्म वी हैव ट्रिक फेडरलिज बिकॉज द स्टेट्स आर बिंग रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सो सबसे लोग वहां से गए तो हमारे यहाँ क्या 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 का एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है ठीक है यहां तक समझ में आ गया चलिए अब आपको कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना है कि अभी हाल ही में बिहार से जो राज्यसभा के मेंबर्स चुने गए हैं उनके क्या क्या नाम है और किस पार्टी से वो है तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगले दिन हम लो, लोग लोकसभा के कॉम्पोजिशन के साथ मिलेंगे थर्टी एट्थ डे में थैंक यू सो मच